चल रहा हाँ, वो दे। तो पानी गर्म क्यों नहीं आ रहा? पानी गर्म क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह ये है कि गैस तो नहीं कम? नहीं, इसकी वजह गैस का, इसकी वजह ये है कि क्या वजह? आप यूट्यूबर हो ये युगांडा से। अच्छा, इसको कर लेते हैं गार्निश। ला यमी 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 माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रामेश और आप देख रहे हैं बाबा फन आरआरसी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, पुराने रहमत को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे और आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा इतने आहिस्ता आहिस्ता क्यों बोल रहा है और बाबा के किचन में क्या कर रहा है। तो इस वक्त रात के बज रहे हैं, क्या टाइम है, 2:30 बज रहे हैं रात के, और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे, क्योंकि ये सिटी छोटी है तो रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे 12 बजे के बाद आई थिंक बंद हो जाते हैं। और आज हमारी दावत थी, हम दावत पे गए थे तो घर में कुछ नहीं बना था, तो भूख से बुरा हाल था, सर में दर्द होने लग गया था। सो मैंने और अली ने प्लान किया, सो इससे बेहतर के भूख से लड़ते रहें। और शुक्र खुदा का ये है कि फ्रिज में थोड़ी सी चिकन पड़ी है, थोड़ी सी नहीं मतलब 1.5 किलो होगी, 2 किलो है, 1.5 किलो है, 1.5 किलो। हाँ, 1.5 किलो चिकन जो है वो पड़ी थी, बाबा ने ऑलरेडी ला के रखी हुई थी, क्योंकि बाबा को हमारी हरकतों का पता है कि इनको किसी भी टाइम भूख लग सकती है और ये कुछ भी कर सकते हैं। सो रात के 2:30 बजे अब हमने खाना बनाना जो है वो स्टार्ट करना है। अभी चिकन हमारा फ्रीज़ हुआ हुआ है, पहले वो अभी अनफ्रीज होगा तो फिर देखते हैं क्या बनता है। रात का टाइम है और हमारा गीज़र आई थिंक बंद हो गया, तो हम अब ऊपर आया गीज़र ऑन करने के लिए। हालत ख़राब हुई पड़ी है गीज़र की। चल रहा हाँ, वो दे। तो पानी गर्म क्यों नहीं आ रहा? पानी गर्म क्यों नहीं आ रहा, इसकी वजह ये है कि गैस तो नहीं कम? नहीं, इसकी वजह गैस का, इसकी वजह ये है कि क्या वजह? आप यूट्यूबर हो नहीं, कितना गर्म है, मैं तो ये लेके आया था इधर तो टॉप टॉप चल रहा है, इससे ज्यादा और गैस क्या हो चाहिए हमारे पे, गैस ही ना हो जाए गैस का। चल गैस नहीं आ रही। चल चल, गीज़र हमारा चल रहा है, हमें गलत फहमी हुई थी कि गीज़र नहीं चल रहा है। अंजलि ने कुछ बनाया होगा, तो गीज़र चल रहा है, गीज़र ठीक है। लहसुन तरह का पेस्ट है, पेस्ट तो ये तो पानी है। अच्छा, आई थिंक चिकन गल की है, बना लेने दे, बूटी फूट जाएगी, फिर कढ़ाई वाली शेप देना है किचन वाली। अच्छा, नान लेके आओ कि रोटी करो बड़े भाई जी। जी, रोटी के नान, रोटी सादी रोटी, सादी रोटी। इतनी सी जो भाई दम गई होगी। फ्रिज में रख दे, जम तो गई, थोड़ी सी जो है उसमें डाल लेंगे, कढ़ाई में थोड़ी सा रायता बना लेंगे, ठीक है। कढ़ाई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमने सिर्फ इसके अंदर नमक और ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्चें और सिर्फ नमक का इस्तेमाल किया है और कोई मिर्चें हमने इसमें ऐड नहीं की। बिल्कुल कढ़ाई हमारी काली मिर्चों में और नमक में रेडी। टमाटर डाले थे बस, बस नमक, काली मिर्चें और लुक वाइज तो बहुत प्यारी लग रही है। और इसके बाद हम इसको कटिंग कहाँ से सीखी है यार, पहले ये युगांडा से। अच्छा, इसको कर लेते हैं गार्निश। माशाल्लाह माशाल्लाह, यमी यमी यमी
माशाल्लाह। ये लें जी, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, फ्लेम हमने कर दिया बंद, और अभी हमने जानी है रोटी, अभी हमने जाना है रोटी लेने। रोटी लेके आते हैं फिर मिलते हैं। ये तो नहीं बताना है। मैंने कहा किचन जिस तरह था ना वैसे कर दिया, हमने पता भी नहीं चला भी किसी ने यहाँ पे कुछ किया है। अली का कहना है कि हमने बिल्कुल बाबा का किचन गंदा नहीं किया, और जैसे था एज इट इज़ हमने वैसे कर दिया। बर्तन सुबह धुल जाएंगे, और अगर गंदा कर देते सुबह गालियाँ पड़ने से, इसलिए हम ऊपर वाला किचन यूज़ करते हैं। तो रात थी तो हमने अपनी बादशाहियाँ चला के तो अपने कढ़ाई बना ली। रात के 3 बजे सिर्फ यहाँ से रोटी मिल सकती है, और कुछ नहीं मिल सकता। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, ला दे उस्ताद जी, इन्नी देर तो सानू कढ़ाई बनाने चली लगी। रोटी हम लेके आ चुके हैं, और यहाँ पे अली डाल रहा है सालन, और किंजा भी उठ चुकी है, किंजा सोई भी थी। दो दफा उठी मैं, पता नहीं तुम क्या कर रहे किचन में। ले आ, ले आ, आ जाओ आ जाओ। तो हमने चिकन खोल लिया, तुम आंखें खोल लो। भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, बाहर से सिस्टम कुछ मिलना नहीं था। मैंने कहा सुबह बाबा भी नाश्ता कर लेंगे, हम बिरयानी बना लेंगे ना फिर सुबह, इसलिए मैंने कहा, इसलिए हमने कहा हम बाबी को तकलीफ ना दें। हाय, यहाँ पूरे सिस्टम कहानियाँ, ऐसे थोड़ी ना जिंदगी चलेगी। अच्छा पहले खिलाई बेगम को है, भाई भूल गया जिसने साथ काम कराया। बहुत अच्छी बनी है, खून सफेद हो गया भाई। अच्छा यार आगे हो जा, लो ना हम पहले लोग, आप पहले लो ना, मेरे चेक करते रायते सैलेड पूरा हमने सेटिंग ब्रो, पहले आप ना चेक करके बताएं, पहले खा के बताऊं। हां पहले जरा खा के बताएं, थोड़ा सा उधर होना नहीं ले रहा मैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, उठा देते मैं, पिकरा देते थोड़ी। उसकी शक्ल बता रही है बहुत अच्छी बनी है, जितनी भूख लगी हुई थी और जितनी मेहनत से सिर्फ ब्लैक पेपर में बनाई है, नमक और ब्लैक पेपर, मज़ा आ गया। नहीं, कुछ नहीं पता क्या बनाया, अब हम खा लें, लेकिन इट्स वेरी टेस्टी। मैंने कहा यार आप ही को उठा दो रोटी बना दी, कह रहे नहीं मैं अपनी बेगम को क्यों उठाऊँ, दरवाजे खोलो बाहर जाएंगे रोटी लेनर, ये है ना मोहब्बत है यार। तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो, हम तो तब खाते थे जब हमारा दिन बहुत बुरा जा रहा था, तो ये बहुत अच्छा जा रहा था। क्यों बुरा जा रहा था तो अच्छा रहता था, और अच्छा रहता तो और अच्छा था। चा के रखती हूँ, फिर अली चखेगा, अली ने भी नहीं खाया होगा है ना, मम्मी को भी दिखाऊंगी बाबा को भी। अच्छा लगता है कोई नई चीज़ अगर हम घर पर ट्राई करते हैं नो, सो नाइस। सही तलब हो रही थी मुझे उसकी, पूरी अभी पूरी करूंगी, जब अली भी चख लेगा, साथ चख लेगा ना, फिर मैं चस्क के ले लेंगे। मजा आया, आ गया तुम्हारा शेर, यूहू। अब
जो लीक प्रोटोकॉल अली आ रहा है मैंने इधर आओ अम्मी इधर आ ये तो ऐसे ही है इधर आ अम्मी इधर आ अम्मी थका दिया मुझे सीढ़ियां चढ़ा चढ़ा के मैं वही कहती अम्मी जब अगर ना निकल हुआ ऊपर नहीं जगह मिली थी यार नीचे बहुत था बस सर में दर्द हो जाता बैठो गर्मी थी नीचे तो हबस हबस बाहर बहुत प्यारा मौसम है ठंडी हवा है क्या बना रहा कुछ भी नहीं ये व्लॉग मैंने परसों स्टार्ट किया था और दो दिन बाद आज मैं एंड कर रहा हूँ इसको और ये जो आपने पीछे छोटे से क्लिप देखे हैं क्यूट क्यूट से मैं और किंजा थोड़ी सी ग्रॉसरी करने गए थे और उसके बाद फिर किंजा ने कहा आई वांना ईट इसी तरह आई वांना ईट नगेट्स और फ्राइज तो हम जो है ना चले गए नगेट्स और फ्राइज खाने के लिए और जब वहाँ जाके बैठे माहौल इतना प्यारा था और मौसम इतना अच्छा था कि मैं अली को मिस करने लग गया और किंजा अम्मी को मिस करने लगी तो हमने वहां पे बैठ के कॉल की नहीं ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ मोटे वहीं बुलाया तुम्हें हमने तो वहां बैठ के हमने कॉल की अली को और अम्मी को कि आप लोग भी आ जाएं तो अम्मी और अली फिर वहीं पे आ गए थे और फिर वहां पे हमने खाई थी ग्रिल्ड फिश तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें खुशियां बांटते रहें और खुशियां बांटते रहें एक दूसरे का बहुत सारा ख्याल रखा करें और एक दूसरे को वक्त दिया करें क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में टाइम और वक्त ही सबसे कीमती चीज़ होती है जो वो किसी को दे सकता है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह ने के बाद